जो शख्स मुसलमानों को बम से उड़ाने आया था वो कैसे इस्लाम का दाई बना। अमेरिका की रियासत इंडियाना के शहर मनसी में पैदा होने वाला रिचर्ड मैकेनी रैम्बो की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ और उसी की तरह सख्त जान और ताकतवर बनकर दुश्मनों को मारना चाहता था। उसके इसी अज़्म और अमेरिका से वालेहाना मोहब्बत ने उसे अमेरिकन मरीन कोर तक पहुंचा दिया। रिचर्ड एक मजबूत जिस्म का मालिक था और पेशावराना अस्करी महारत की वजह से तरक्की करते हुए सार्जेंट बन गया। उसने अमरीकी फौज की तरफ से कई जंगों में शिरकत की। रिचर्ड उस इंतहाई खसूसी छापा बरदार ग्रोह का भी हिस्सा था जिसे बोस्निया के कातिल मिलोसोविच को जिंदा पकड़ने के लिए भेजा गया था। तमाम बड़ी बड़ी जंगों में शिरकत करने की वजह से उसमें सख्त दिली और बिलखसूस मुसलमानों से शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी। यह नफरत इतनी बड़ी कि एक दफा जूते की दुकान में उसने दो बुरका पोश खवातीन को देखा तो उनकी गर्दनें तोड़ने का इरादा कर लिया था। इसी शदीद नफरत के सबब उसने मनसी में मुसलमानों की मस्जिद में जुम्मे के दिन धमाका करने का मंसूबा बनाया। उसका मंसूबा था कि वो सैकड़ों मुसलमानों को बम से उड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठे इनके चीथड़े उड़ते देखेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मस्जिद को बम से उड़ाने से पहले उसने आखिरी दफा इस्लाम और मुसलमानों को जानने का फैसला किया। रिचर्ड मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहां एक नमाजी ने उसको खुशामदीद कहा और पूछा कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। रिचर्ड ने उस शख्स से इस्लाम को जानने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनाचे उस नमाजी ने उसको कुरान मजीद दे दिया और कहा कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो सवालात आपके जहन में पैदा हों वो हमसे पूछ लीजिएगा। चुनाचे रिचर्ड कुरान पढ़ता गया और मस्जिद जा जाकर सवाल करता रहा। यहां तक कि 2 महीने बाद दुनिया ने कुरान का ये मौजजा भी देखा कि वही शख्स जो कल मस्जिद को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा था आज वहीं कलमाए शहादत पढ़ रहा है। रिचर्ड उस मस्जिद की इंतजामी कमेटी का 3 साल तक सदर रहा और आज मायूसी और नफरत के शिकार लोगों की काउंसलिंग करते हुए अमेरिका में इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाता है। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ने बताया कि कुरान की इस एक आयत ने उसकी जिंदगी तब्दील कर दी कि जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर कुरान की फकत एक आयत मुसलमानों के कट्टर दुश्मन की जिंदगी तब्दील कर सकती है तो पूरा कुरान क्या कुछ इनकलाब बर्पा कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियां क्यों तब्दील नहीं हो रही? इसकी वजह सिर्फ एक है कि रिचर्ड ने कुरान को पढ़ा और समझा। लेकिन हम कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। वरना यह मुमकिन ही नहीं कि रिचर्ड की तरह हमारी जिंदगियां भी तब्दील ना हों।